हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लर्न स्केचिंग स्टेप बाय स्टेप विद सारंग आर्ट एंड म्यूज़िक में आपका स्वागत है। सीरीज़ के इस अगले एपिसोड में मैं ड्राइंग के कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, पर वो शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लें। लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइजेस मैंने बताए थे, आप फटाफट वो 10 से 15 मिनट कर लें। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ टिप भी है। इस तरह आप फटाफट खुद को थोड़ा वार्म अप कर लें। ध्यान रहे पेंसिल शार्प होना चाहिए। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन करें, ताकि डे बाय डे हो रहे इम्प्रूवमेंट को कंपेयर कर सकें। अब चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को इस्तेमाल करके कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं। बता सकते हैं ये मैं क्या बना रही हूँ? जी हाँ, टूथब्रश। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आप अपनी इमेजिनेशन से ही यह पिक्चर ड्रॉ करें। अगर मुश्किल हो रहा हो तो घर पे पड़े हुए कुछ बुक्स उनमें आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स होंगे ऐसे, उनको देखकर ड्रॉ करें। आपको इरेज़र इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है शुरू में ये पिक्चर आपसे अच्छे ना बने, बट डोंट वरी, ये धीरे धीरे बनने लगेंगे। आपको हर दिन ये फिगर्स ट्राई करते रहने होंगे। आप चाहें तो एक फिगर को बार बार बना सकते हैं। एक दिन में 25 से 30 फिगर बनाएं। घबराइए नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एक फिगर बनाने में एक मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। इस तरह 30 फिगर बनाने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। अगर कोई फिगर बनाने में एक मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कोई फिगर एक मिनट से कम भी लगेगा। इस तरह आपको आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं देना होगा। आप सोचिए घर में और अपने आसपास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती हैं। आप डाइनिंग टेबल पर नज़र डालें, ड्रेसिंग टेबल पर नज़र डालें, किचन में नज़र डालें, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा हुआ ज़रूर मिलेगा जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और ड्रॉ करते हैं।
ये बुक बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहले एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर बुक्स का फिगर ड्रॉ कर लिया और फिर बाकी की लाइनों को इरेज कर दिया। ध्यान रहे, फिगर ड्रॉ करते वक्त आपको इरेज़र इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, जब आप बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ बना रहे हैं तो बाकी की फालतू लाइन आप इरेज करते हैं। हो सकता है शुरू में आपसे बहुत अच्छा ना बने, बट डोंट वरी, शुरू में किसी से भी अच्छा नहीं बनता है। आप अगर हर दिन 25 से 30 फिगर बनाएंगे, आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपके ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं किताबों को अलग अलग एंगल से बनाना दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले बॉक्स बनाए, देन उसके अंदर आपको जो भी फिगर बनाना है वो फिगर बना लें। पेंसिल शार्प रखें। ये मैंने एक बार में 4-5 बुक्स बनाए। चलिए, अब कुछ वेजिटेबल बनाते हैं। इस तरह वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करके आप कुछ भी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा लाइन का प्रैक्टिस और 25-30 फिगर्स। तो चलिए, अब आज का टिप। आप कोई भी फिगर बना रहे हैं तो उसके लिए एक बॉक्स बनाएं। जैसे ये मैं एक पेंसिल बनाना सिखा रही हूँ, इस
इसके लिए मैंने पहले एक सिंपल सा बॉक्स बनाया और पेंसिल का शेप जैसा होता है वैसा ड्रॉ कर दिया, बाकी की फालतू लाइनें इरेज कर दी। तो इस तरह से आपका फिगर बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा। ये मैं क्या बना रही हूँ, पेन। आपने देखा मैं बुक्स के लिए भी ऐसे ही बॉक्स बना रही थी। ऐसे ही फटाफट एक नाइफ बना लेते हैं। इस तरह से बॉक्स बना के जब आप कोई फिगर बनाएंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा। तो ये रहा आज का टिप। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में स्केचिंग के कुछ नए एक्सरसाइजेज लेकर। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ़।